वेलकम बैक। मेरा नाम अश्वनी गोस्वामी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में हूँ और जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, लिखा हुआ है, अगर आप शायद ध्यान से देखें तो लिखा हुआ होगा NCRTC या फिर RRTS, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये RRTS। और इसका प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का या प्रोजेक्ट का जो ऑफिस है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा NCRTC का बोर्ड लगा हुआ है और प्रोजेक्ट ऑफ चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर गाज़ियाबाद और हिंदी में लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक गाज़ियाबाद। आप अगर राइट हैंड साइड पर थोड़ा ध्यान देंगे तो पिलर्स कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे सरिये ऊपर उठे हुए। टोटल 3 मीटर की जगह ये घेरेगा, जो कि सेम जैसे मेट्रो आप देखते हैं बन रही है दिल्ली NCR के अंदर, सेम उसी तर्ज पर ये बनाया जा रहा है, लेकिन ये मेट्रो से काफ़ी हद तक अलग है। वो क्यों है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो NCRTC के अंतर्गत 3 परियोजना आती हैं, सेम इसी तरह RRTS की तरह ही। पहली परियोजना तो यही है जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं और इसके ऊपर काम आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है। 2024 तक की इसकी डेडलाइन है, 2024 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो मुझे लगता है उम्मीद भी है कि शायद हो जाएगा टाइमली। अब जितने भी, क्योंकि इसके जितने भी टेंडर्स हैं या जितने भी इसके आप कह सकते हैं कि अवार्ड हो चुके हैं अलग अलग कंपनीज़ को, तो ऑलरेडी काम जैसे आपको दिख भी रहा होगा शुरू हो चुका है। तो आई वाज सेइंग कि इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट आते हैं NCRTC या RRTS के अंतर्गत। पहला प्रोजेक्ट तो यही है जो दिल्ली के सारे सरायकाले खां से शुरू होकर के मेरठ तक जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी पाइपलाइन में है, या यूं कहें तो 2 और जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है जो है, उनमें से एक है दिल्ली अलवर रूट और दूसरा है दिल्ली से लेकर के पानीपत तक का रूट। तो उस पर भी काम इसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर रोड को चौड़ा कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बीच से पिलर बनेंगे, तो ऑलरेडी इसको सड़क को चौड़ा कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो। तो गाइज बात करते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो लगभग 68 किलोमीटर्स है, जिसके अंदर से 15 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड रहेगा और बाकी का जो ट्रैक है वो एलिवेटेड रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये मेट्रो से काफ़ी हद तक अलग है, वो अलग इसलिए है इसका सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से। आपने देखा होगा मेट्रो के अंदर ज़्यादातर जो जगह है वो खड़े होने के लिए है, बैठने के लिए सिर्फ साइडों के अंदर चेयर दी हुई है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर डेडिकेटेडली जैसा एरोप्लेन के अंदर सिस्टम होता है उसी की तर्ज पर यह बनाया जाएगा। थोड़ा उससे मेट्रो से चौड़ा भी इसका ट्रैक रहेगा और साथ में इसके अंदर सामान रखने के लिए, आप देखेंगे मेट्रो के अंदर सामान रखने के लिए जगह नहीं होती, तो इसके अंदर ओवरहेड स्पेस रहेगा जिसके अंदर आप अपना लगेज या सामान है वो रख सकते हैं। और इसकी स्पीड भी मेट्रो से ज़्यादा रहेगी, इसकी स्पीड रहेगी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो कि मेट्रो से इसको काफ़ी तेज़ और ज़्यादा आरामदायक बनाता है। तो गाइज मैं मेरठ पहुँच चुका हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर भी सड़क को अभी से चौड़ा कर दिया गया है और आपको अगर राइट हैंड साइड पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी जो ब्लू कलर के बोर्ड हैं वो RRTS के लगा दिए गए हैं। ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर काम RRTS के अंतर्गत शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है या जिसको बोलते हैं माइलस्टोन है, मेरठ 9 किलोमीटर रह गया है। तो बेसिकली 9 किलोमीटर का मतलब है कि जो बस स्टैंड है जो मेरठ का बस अड्डा होगा वो 9 किलोमीटर रह गया है। ये सामने अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं तो जानते होंगे ये सुपर टेक का शॉपरिक्स मॉल है जो कि मेरठ के अंतर्गत आता है और हम लोग मेरठ पहुंच चुके हैं दिल्ली से। तो इतना ही है आज के वीडियो के अंदर और ज़रा सा ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि यार बताइए कितना अपडेट हो, आप अपडेट दीजिए कितना काम हो चुका है, तो काम आपके सामने है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो छोटा था क्योंकि अभी इतना ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है, काम बड़े इनिशियल लेवल पे है और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।